15 सूत्रीय मांग को लेकर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर द्वारा सोमवार को मंडलायुक्त कार्यालय में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के पदाधिकारी पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित मंडलायुक्त के माध्यम से प्रेषित किया। अधिवक्ताओं की नृशंस हत्या एवं अधिवक्ताओं के परिवार की सहायता सहित अधिवक्ताओं से संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। साथ ही 15 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित मंडलायुक्त के माध्यम से प्रेषित किया। इस दौरान बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र शाही, मंत्री एडवोकेट अजय कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, घनश्याम त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान गोरखपुर नी से बात करते हुए बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र शाही ने कहा, ये हमारा काम है। आपके माध्यम से उनको ज्ञापन जा रहा है कि अधिवक्तागण की बातों को सामान्य रूप से सुने, उनके और उनके परिवार का उत्पीड़न न हो और जो वादे किए उनको न करें। बजट का प्रावधान कर 40 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अधिवक्ताओं को कल्याण निधि में देना, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। जब से ये सारी हमारी मांगे हैं आपके माध्यम से, मैं प्रयास करूंगा उनको आज ही पहुँच जाएगा। अरे ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, जो हमसे टकराएगा वो दूर हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी हो। अपराधों को रोकने में प्रदेश सरकार के जो भी कदम हैं वो नाकाफी हैं। खास तौर से अधिवक्ताओं की रोज आए दिन हत्या हो रही है, उनके साथ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि बार काउंसिल का अध्यक्ष जो निर्वाचित था वो भी मारी गई, और इधर जो हत्याएं और हमले बढ़े हैं उससे अधिवक्ता समुदाय बहुत ही आक्रोशित है और ये मांग करता है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल जो है यहाँ लागू होना चाहिए और उसके लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है हमारी बहुत सारी मांगे हैं। 15 सूत्री एक मांगों का ज्ञापन अभी हम लोगों ने कमिश्नर साहब को दिया है, उसमें प्रमुख मांग ये है कि हमारी राज्य सरकार ने घोषणा तो कर दी कि 70 साल के उम्र के अधिवक्ताओं को पेंशन दिया जाए, उनकी विधवाओं को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए फंड की कोई व्यवस्था नहीं की। कह दिया कि साहब हम 3 साल तक जो नए अधिवक्ता आएंगे उनको स्टाइपेंड देंगे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, जबकि सरकार ने वादा किया है कि वो हर वर्ष अधिवक्ता कल्याण निधि में 40 करोड़ रुपए देगी, लेकिन एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी गई। अभी अंतरिम बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार का आ गया, इसमें भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। इससे अधिवक्ता समुदाय काफ़ी आक्रोशित है। हमारी और बहुत सारी मांगे हैं जो लंबित पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम न्यायालय जो खुल रहे हैं बिना उसकी आधारभूत संरचना तैयार किए वो खुल रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर यहाँ गोरखपुर में हम मांग करते हैं कि हाई कोर्ट की एक खंडपीठ स्थापित हो और राजस्व परिषद की एक खंड स्थापित हो, इसकी पुरजोर मांग करते हुए हमने आज यहाँ पर कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है जो राज्य सरकार को जाएगा। आज कहीं आज सारे अधिवक्ता, पूरे जिले के अधिवक्ता, तहसील से लेकर के और यहाँ प्रदेश अधिवक्ता काउंसिल के आह्वान पर आज हड़ताल पर हैं, एक दिवसीय हड़ताल मना रहे हैं, और अगर सरकार ने अविलंब हमारी मांगों पर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं किया तो हम लंबे आंदोलन पर भी जा सकते हैं और सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई हो सकती है।